आज हमने घर में से ही मिल जाए ऐसी सामग्री का इस्तेमाल करके बिना चीज, बिना मैदा, बिना ईस्ट और बिना ओवन के एकदम टेस्टी और हेल्दी पिज्जा बनाया है। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले, वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं हेल्दी और टेस्टी वेजिटेबल पिज्जा। पिज्जा के लिए डो बना लेते हैं। एक कप गेहूं का आटा 250 ml कप का माप से लिया है, आधे टीस्पून नमक, एक टीस्पून चीनी मिक्स कर लेते हैं। बीच में एक खड्डा बनाएंगे। एक चौथाई कप थोड़ा खट्टा दही लिया है, दही हमें थोड़ा खट्टा ही लेना है। एक चौथाई टीस्पून बेकिंग सोडा, एक चौथाई टीस्पून फुल भर के बेकिंग पाउडर, दही के ऊपर ही डालना है बेकिंग पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही हमें रूम टेम्परेचर का ही लेना है, फ्रिज का ठंडा दही नहीं ले। आप देख सकते हैं बेकिंग पाउडर डालने से ये कैसा फर्मेंट हो रहा है। एक टेबलस्पून घी, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दही हमने डाला वो थोड़ा गाढ़ा ही लेना है, एकदम पतला दही नहीं ले। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा बना लेते हैं। आटा हमें थोड़ा सॉफ्ट ही लगाना है। एक चौथाई कप पानी डाल के मैंने आटा गूंथ लिया है। आप जरूरत के हिसाब से पानी डाल के आटा गूंथे, क्योंकि दही मैंने एकदम गाढ़ा लिया था इसके लिए एक चौथाई कप पानी लगा। आपकी दही की कंसिस्टेंसी कैसी है उस हिसाब से पानी लगेगा। थोड़ा घी डाल के आटे को चिकना कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट आटे को अच्छे से मसल लेते हैं। आटे को अच्छे से मसल लिया है, इसे दूसरा बाउल में रख देंगे। तेल से थोड़ा ग्रीस कर लेंगे। आटा हमें इतना सॉफ्ट रखना है, ऊपर थोड़ा तेल लगा लेंगे। ढक्कन लगा के इसे गर्म जगह पे रखना है, 3 से 4 घंटा तक इसे रेस्ट देंगे। ज्यादा से ज्यादा इसे 4 घंटा तक रेस्ट देना है। तो इसे मैं अभी माइक्रोवेव में रख देती हूँ, आप कोई भी गर्म जगह पे इसे रख सकते हैं। पहले हम रेड सॉस पिज्जा सॉस बना लेते हैं। एक मीडियम साइज का प्याज, 2 बड़ी साइज का टमाटर, 1 छोटी साइज का अदरक, 6-7 कली लहसुन की छोटी साइज की ली है और 1 कश्मीरी लाल मिर्ची का बीज मैंने निकाल के लिया है। ये सब हम पैन में डाल देंगे। आधा कप पानी डालेंगे। ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 मिनट कुक कर लेते हैं। इसे मैंने 8 मिनट कुक किया है और बीच में 2 से 3 बार चला लिया था। आप देख सकते हैं पानी भी थोड़ा सूख गया है, टमाटर कुक हो गया है। गैस ऑफ कर देंगे, ये ठंडा हो जाए इसके बाद इसे मिक्सर जार में डाल के फाइन पेस्ट बना लेते हैं। कढ़ाई में 1 से 2 टीस्पून तेल डालेंगे। प्याज और टमाटर को ठंडा करके इसकी पेस्ट बनाई है, ये डाल देंगे। प्याज और टमाटर के साथ में मैंने साबुत कश्मीरी लाल मिर्ची डाली थी और इसकी पेस्ट बनाई है। अगर आपको वो साबुत कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डालना है तो आप इस टाइम पे आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें, आधी टीस्पून ओरिगानो। इसे हम इस तरह से हाथ से क्रश करके डालेंगे। आपके पास अगर ओरेगानो भी नहीं है तो इसके बदले में आप 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल सकते हैं। अजवाइन का टेस्ट भी ओरेगानो से मिलता जुलता आता है, तो आप ओरेगानो के बदले में अजवाइन यूज कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के सॉस को कुक कर लेते हैं। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तब तक इसे कुक करना है। आधी टीस्पून नमक डाल देंगे, इसके बाद इसे हम कुक करेंगे। लगातार चला के सॉस को तेज आंच पे गाढ़ा होने तक कुक किया है और आप देख सकते हैं ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है। 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप डालेंगे। आपके पास अगर टोमेटो केचप नहीं है तो आप 1 टीस्पून चीनी डाल दें। सॉस को हमें इतना गाढ़ा ही रखना है। पिज्जा सॉस रेडी है, गैस ऑफ कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल के ठंडा कर लेते हैं। व्हाइट सॉस बनाएंगे। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे। बटर मेल्ट हो गया है, 1 टेबलस्पून मैदा। लगातार चला के मैदा को धीमी आंच पे भून लेते हैं। मैदा को लगातार चला के धीमी आंच पे अच्छे से भूनना है। मैदा का हमें कलर चेंज नहीं करना है,
ये भुन जाएगा तो एकदम हल्का हो जाएगा और बटर भी सेपरेट होने लगेगा। आप देख सकते हैं इसका बटर भी सेपरेट होने लगा है। आधा कप रूम टेम्परेचर का दूध लिया है, ये डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। धीमी आंच पे इसे अच्छे से चलाएंगे, अच्छे से चला के मिक्स करना है, इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ हो गया है। थोड़ा सा दूध और डालेंगे, एक चौथाई कप दूध मैंने और डाला है, टोटल 3/4 कप दूध डाला है। 2 पिंच नमक डालेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे चला के कुक कर लेते हैं। सॉस हमें इतना गाढ़ा रखना है, गैस ऑफ कर देंगे, ये ठंडा होगा तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं, कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख देते हैं। अंदर मैंने नमक डाला है, नमक को मैंने पहले भी यूज किया था, वही नमक मैंने लिया है। अंदर एक रिंग रखी है, ढक्कन लगा देंगे, मीडियम फ्लेम पे 8 से 9 मिनट तक इसे गर्म कर लेते हैं। आटा को मैंने 4 घंटा रेस्ट दिया है और आप देख सकते हैं ये थोड़ा फूल गया है, इसमें जाली भी बहुत अच्छी पड़ गई है। इसे थोड़ा मसल लेते हैं, थोड़ा तेल डाल के मसलेंगे, 3 से 4 ड्रॉप डालना है। पिज्जा बनाने के लिए मैंने एक बड़ी साइज की बेकिंग ट्रे ली है, इसके लिए मैं ये पूरा आटे का एक पिज्जा बनाऊंगी। अगर आपके पास छोटी साइज की बेकिंग ट्रे है या बेकिंग ट्रे नहीं है तो आप एल्यूमिनियम का या स्टील का डिश ले सकते हैं। ट्रे के अंदर मैंने बटर लगा के ग्रीस किया है। इस आटे में से अगर आप छोटा पिज्जा बनाना चाहते हैं तो 2 पिज्जा बना सकते हैं। सूखा आटा लगा के इसे थोड़ा बेल लेते हैं, बहुत ज्यादा सूखा आटा नहीं लेना है, एकदम थोड़ा आटा लेके बेलना है। मैंने इसे बेल लिया है, ट्रे में रख देंगे और थोड़ा अच्छे से इस तरह से फैला लेंगे। इसके ऊपर हम रेड सॉस लगा लेते हैं, इस तरह से अच्छे से सॉस को हम फैला लेते हैं। व्हाइट सॉस हमने बनाया था, इसे अच्छे से चला लेंगे, अच्छे से चला के इसे बराबर से मिक्स कर देना है, लम्स नहीं रहना चाहिए। ऊपर व्हाइट सॉस डाल देंगे, इस तरह से डाल के एकदम हल्के हाथ से इस तरह से फैलाएंगे। इस तरह से व्हाइट सॉस को फैला लिया है। लाल, हरी और पीले कलर की शिमला मिर्च ली है, इसका मैंने लंबा पीस किया है, ये ऊपर रखेंगे, इस तरह से ऊपर रख देते हैं। कॉर्न को उबाल के लिया है, ये ऊपर रखेंगे। सब्जी आपको जो कोई भी डालनी है आप डाल सकते हैं। आपके पास अगर तीनों कलर की शिमला मिर्च नहीं है तो इसके बदले में आप प्याज की स्लाइस रख सकते हैं, हरी कलर की शिमला मिर्च और टमाटर की स्लाइस रख सकते हैं। ब्लैक ऑलिव है, ये ऊपर रखेंगे, ऊपर से थोड़ा थोड़ा सॉस रखेंगे इस तरह से। ओरेगानो स्प्रिंकल करेंगे, चिली फ्लेक्स। कढ़ाई भी गर्म हो गई है, ट्रे अंदर रख देंगे, धीरे से ढक्कन बंद कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे 20 से 22 मिनट तक इसे बेक करेंगे। 20 मिनट हो चुकी है तो इसे देख लेते हैं। और 2 मिनट इसे रखेंगे, 2 मिनट हो गई है तो देख लेते हैं। क्रस्ट अच्छे से कुक हो गया है, गैस ऑफ कर देंगे और इसे हम बाहर ले लेते हैं। मेरी कढ़ाई का तला थोड़ा मोटा है, इसके लिए मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे कुक किया है। आपकी कढ़ाई का तला मोटा या पतला हो इस हिसाब से आप गैस की फ्लेम एडजस्ट करके इसे बेक करें। पिज्जा बन के रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं ऊपर का व्हाइट सॉस जैसे चीज बस पिज्जा हो उस तरह से लग रहा है। पिज्जा बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो मिलेंगे अगले और एक नए वीडियो के साथ।